आई के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस बाग आई के सम्मानित सदस्य सभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, भारत के नेशनल फेडरेशन के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, देवी और सज्जनों 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सौ सेशन भारत में होना बहुत ही खास है चालीस साल बाद भारत में आईओसी का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है फ्रेंड्स अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है मैं टीम भारत को सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूँ साथियों स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का हमारी लाइफस्टाइल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन हो हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो या उसके बाद का टाइम पीरियड हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है हमारे यहां हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में चौसठ विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी जैसे हॉर्स राइडिंग आर्चरी स्वीमिंग रेसलिंग, ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था आर्चरी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी इस संहिता में एक जगह कहा गया है धनुष कुतंच, खड़गंच, छुरी का गदा सप्तम बाहु युद्धम शुद्धानी सप्तदा यानि धनुर्विद्या से जुड़ी सात प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए जिसमें धनुष्वाण चक्र भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो तलवारबाजी ड्रैगर गदा और कुश्ती शामिल है साथियों स्पोर्ट्स की हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है जहां मुंबई में अभी हम है वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा धौलावीरा 5000 हजार साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है खुदाई के दौरान यहाँ दो स्टेडियम सामने आए हैं इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है 5,000 हजार साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ दस हजार लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी भारत की एक और एंशियन साइट राखी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है भारत की यह विरासत पूरे विश्व की विरासत है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता स्पोर्ट्स में सिर्फ बीनर्स और लर्नर्स होते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है स्पिरिट यूनिवर्सल है स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुम्ब कम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण है हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है साथियों बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए हमने फुटबॉल अंडर 17, विमेन्स वर्ल्ड कप मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी बेजबानी की भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं। कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा साथियों ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है ये दुनिया ने भारत की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है उनकी आकांक्षा है इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा फ्रेंड स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है स्पोर्ट्स सबका है सबके लिए है स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता बल्कि पीस प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा फास्टर हायर स्ट्रांगर, टुगेदर। आईओसी के एक सेशन में आए सभी अतिथियों का अध्यक्ष बाग का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन